नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 144 के दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह सब्जेक्ट कोड दक्षिण एशिया से संबंधित है। क्वेश्चन पेपर दो पार्ट्स में होगा, एक पार्ट से आपको दो क्वेश्चन करने कंपलसरी है, यानी कि एक पार्ट से आप दो क्वेश्चन करेंगे और एक से तीन क्वेश्चन करेंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होगा। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 और टाइम आपको 3 आवर मिलेगा। क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के भू रणनीतिक महत्व की व्याख्या कीजिए, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि जो दक्षिण एशिया वाला एरिया है, इसका भू रणनीतिक महत्व क्या है। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन सी कंट्री है आपको पता ही है। दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार को भी इसमें काउंट किया जाता है, चाइना को भी इसमें काउंट किया जाता है, बट चाइना को सार्क वाले जो ग्रुप में है उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका की जो भौगोलिक स्थिति है उसका महत्व आपको बताना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आप दक्षिण एशिया को डिफाइन करोगे कि दक्षिण एशिया में कौन कौन सी कंट्री आ रही हैं, फिर आपको बताना है कि इनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, कि इसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर है, इधर से साउथ चाइना जो सी है, फिर इसका जो महत्व है वो कैसे यूरोपीय कंट्रियों से जुड़ रहा है, और फिर कैसे इस तरफ से जो अमेरिका की उसके अंदर गुटबंदी है वो कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। ऑलरेडी इस चैप्टर की वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने, वहाँ से आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की सुरक्षा गतिशीलता पर टिप्पणी कीजिए, कि दक्षिण एशिया में जो सिक्योरिटी वाला मैटर है इसके बारे में बताओ कि दक्षिण एशिया में सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं। तो दक्षिण एशिया में देखोगे तो ये विभिन्नताओं वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हर देश की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर हो, या फिर आसपास की लड़ाइयाँ हों, आतंकवाद का जो मैटर है, इन सब चीज़ों को आपको इस वाले क्वेश्चन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन करो, यानी कि मानव विकास को परिभाषित करो और इसकी चुनौतियाँ बताओ। तो सबसे पहले आप इसमें मानव विकास टर्म को डिफाइन करोगे कि मानव विकास का मतलब क्या है। तो देखो, मानव विकास का मतलब है कि मनुष्य के विकल्पों में निरंतर वृद्धि होती रहे, इसे ही को मानव विकास कहा जाता है। मानव विकास के लिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाने पर खर्च किया जाता है। लेकिन मानव विकास के सामने चुनौतियाँ ये है कि साउथ एशिया की खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन बड़ी हाई है, इसके अलावा एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा कम है, धर्मांधता यानी कि धर्म पे निर्भरता बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा आतंकी जो गतिविधियाँ वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट को नुकसान पहुँचाती हैं, गवर्नमेंट जो है वो करप्टेड है, तो ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट की राह में थोड़ी समस्याएँ रहती हैं। तो पहले ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन करोगे, फिर उसका एरिया बताओगे, फिर आप बताओगे इसके रास्ते में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पारराष्ट्रीय संगठित अपराध पर टिप्पणी करो या वैश्वीकरण, तो इन दोनों पर आपको टिप्पणी करनी है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इन चार में से कोई से दो क्वेश्चन या कोई से तीन क्वेश्चन आप मैक्सिमम करोगे। आगे बात करें पार्ट टू की, तो पार्ट टू में पहला क्वेश्चन जो है, यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो पांचवा क्वेश्चन है, वह है कि विकास की बदलती प्रवृत्तियों और दक्षिण एशिया में पर्यावरण पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखो, 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था उसके बाद ये बात की गई कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब है सतत विकास की बात करेंगे, यानी कि एक ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो विकास के मामले पर जो पूरा विश्व है वो दो भागों में बट गया, उत्तर बनाम दक्षिण, जहाँ नॉर्थ में जो कंट्रियाँ, जो यूरोपियंस कंट्रियाँ, ये डेवलप्ड कंट्री हैं, और इन्होंने जो दक्षिण की कंट्रियाँ हैं, खासतौर पर एशियाई, अफ्रीकाई और लैटिन अमेरिकी जो कंट्रियाँ हैं, इन कंट्रियों के संसाधनों का दुरुपयोग किया है। तो यहाँ पर आपको साउथ एशिया से रिलेटेड बताना है, तो आप बताओगे यहाँ पर किस प्रकार से बड़े पैमाने पर इन देशों को गार्बेज डंप बना दिया गया है, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगाई गई हैं उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव इन देशों पर पड़ रहा है। विकास के नाम पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो की जा रही है, बट इन देशों के इन्वायरमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे क्वेश्चन है, श्रीलंका में राजनीतिक संरचनाएँ और उसकी प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले आप श्रीलंका को बताओगे 1948 में आज़ाद हुआ, यहाँ पर दो कम्युनिटी के लोग हैं, एक सिंगली और एक तमिल, जिनके बीच में जो सिंगली हैं उन्हें ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, जिसकी वजह से तमिलों की डिमांड रहती है कि भाई हमें इतने अधिकार नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से फिर तमिलों ने एक ग्रुप बनाया था लिट्टे, और फिर उस संघर्ष के बारे में आपको यहाँ बताना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्षों की बदलती प्रकृति और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, कि साउथ एशिया में जो लगातार संघर्ष हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप सारे जो वहाँ पर जाति है, धर्म के आधार पर आतंकवादी जो गतिविधियाँ, ये सारी इसमें आपको लिखनी है, और जो आपसी देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं उनके बारे में बताना है। आतंक पर वैश्विक युद्ध और सर क्रिक लाइन विवाद जो है, इन दो में से आप टिप्पणी करोगे। तो टोटल 8 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। वैसे तो ये बुक बहुत ही आसान है,
बट एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम कम मिला इसलिए हम इसकी बुक अपलोड नहीं कर पाए हैं। थोड़े बहुत चैप्टर हमने अपलोड कर रखे हैं तो आप वहाँ से वो चैप्टर्स ज़रूर देख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।